हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 11 मई की, या रखिए 11 मई 2024 की। हम द हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस की बात कर रहे हैं। आज की जहाँ पर हमारी 5 करंट अफेयर्स होने वाली है। बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य जगत के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साहित्य जगत के लिए अगर दिया जाता है, इसका दास्ता से संबंध कैसे है इसको समझ लेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत अगर तीसरा नंबर पर सौर ऊर्जा का उत्पादक है तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य क्या है और अभी चर्चा में क्यों आ गया, इसकी स्थिति कहां पर है, इसको देख लेंगे। कवच प्रणाली से आप लोग बहुत ज्यादा रूबरू होंगे, लेकिन अभी फिर से चर्चा में आ चुकी है और ये रेलवे से संबंधित है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। 55 क्रेनिकी ई एक्सोप्लेनेट का वायुमंडल में होना, इसको समझ लेंगे किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, कहां पर है, इसकी क्या स्थिति है, इसको समझ लेंगे। तो आज की जहां पर 5 करंट अफेयर्स होने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। और हमारा ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड्रॉइड ऐप है, आप इसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, रखिएगा टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, आप इसका फायदा उठा सकते हो, एक राइट तो दोस्तों बनता भी है। खैर, हम सबसे पहले अपनी बुकर पुरस्कार का संबंध जो है दास्ता से इसकी बात करेंगे। और बुकर पुरस्कार दिया गया है इन भाई साहब को, बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है इस तरीके से दिया जाता है, ये हाथ में देख पा रहे होंगे जो लिए हैं शील्ड को, ठीक है। अब हम चर्चा में क्यों इसको देखते हैं, तो जो बुकर पुरस्कार है वो साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। जो बुकर पुरस्कार है इसके मूल प्रायोजक मतलब कि स्पॉन्सर की बात करें तो बुकर समूह की दास्ता से ऐतिहासिक संबंधों के कारण ये इसकी आलोचना की गई है, जिसके कारण ये चर्चा में आ चुका है। अब आप समझोगे कि बुकर पुरस्कार को साहित्य जगत में प्रमुख पुरस्कारों में माना जाता है और दास्ता से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों के कारण इसकी आलोचना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो मामला है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी है, इसकी शुरुआत की बात करें तो कंपनी के संस्थापक जॉर्ज और जोसियस बुकर ने 1800 के दशक में शुरुआत की थी। कथित तौर पर अगर देखा जाए तो करीब 200 व्यक्तियों को दास बनाया गया था इसमें, याद रखिएगा कितने, 200 व्यक्तियों को। अगर हम बुकर पुरस्कार के प्रमुख तथ्यों के बारे में समझें तो इस पुरस्कार की जो स्थापना प्रॉपर है तो 1800 के दशक में तो की गई थी, लेकिन 1969 में 1969 में टॉम मासलर और ग्राहम सी ग्रीन के द्वारा की गई थी, तो ये जो दो व्यक्ति हैं इनके द्वारा की गई थी। बुकर पुरस्कार प्रति साल मतलब कि हर वर्ष किसी भी राष्ट्रीयता के लेखक के द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक को प्रदान किया जाता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, आप देखोगे तो अंग्रेजी में लिखा गया और यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित साहित्य का सर्वश्रेष्ठ लेखक को उसको ही प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है, अंग्रेजी में अनुवादित कार्यों के लिए एक अलग पुरस्कार दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुकर पुरस्कार के विजेता को क्या मिलता है, तो 50,000 पाउंड का नगद पुरस्कार मिलता है। इसके अतिरिक्त चुने गए प्रत्येक लेखक को 2500 पाउंड का पुरस्कार मिलता है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति को, जो प्रमुख व्यक्ति होगा जिसको बुकर पुरस्कार दिया जाएगा उसको 50,000 पाउंड का नगद पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जो अन्य व्यक्ति होंगे उनको भी 2500 का यहाँ पर पाउंड पुरस्कार मिलेगा। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। तो जिनकी आपने आगे फोटो देखी थी, इनका नाम क्या है, पॉल लिंच इनका नाम है, याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार दास्ता और गिरमिटिया श्रम से कैसे संबंधित है, तो आपको मैंने कहा था पहले ही, हमारी जो टॉपिक था बुकर पुरस्कार का दास्ता से संबंध। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें आप लोगों के लिए लगाई हुई है, एक तो है बुकर पुरस्कार दास्ता और दूसरा है गिरमिटिया श्रम। तो पूरी बातों को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो वर्ष 1815 की बात है, जब पेरिस की संधि हुई थी तो उस माध्यम से ब्रिटेन ने गुआना पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। 1815 की बात की रही है जब हम भी गुलाम थे ब्रिटेन के, याद रखिएगा। तो 1815 में जो पेरिस की संधि हुई और ब्रिटेन ने गुआना पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अब गुआना कहाँ है, अब गुआना आपको पता होना चाहिए, गुआना साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में स्थित है गुआना की स्थिति, मैंने आपको मैप के माध्यम से, ये रहा गुआना। अगर गुआना की सीमा देखो तो वेनेजुएला से लगती है, ब्राजील से लगती है, सूरीनाम से लगती है, याद रखिएगा, है ना।
और ये अगर किस महासागर से, तो अटलांटिक ओशियन से लगता है, इंपोर्टेंट है गोवाना। तो ब्रिटेन ने गोवाना पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। गोवाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी पूर्वी सीमा सूरीनाम से, दक्षिणी सीमा ब्राजील से, पश्चिमी सीमा वेनेजुएला से लगती है। इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीनी और कपास उद्योग पर यह संचालित होता है, जिसमें अफ्रीकी दास बागानों में श्रम प्रदान किए जाते हैं। तो जो अफ्रीका के दास हैं वो अमेरिका लाए जाते हैं वहां पर, और वो श्रम के रूप में कार्य करते हैं। ब्रिटिश गुआना में अफ्रीकी दासों का उपयोग 19वीं शताब्दी के दौरान दासता का इतिहास को दर्शाता है। अफ्रीका से दासों को लाया जाता था अमेरिका में, और वहां पर उनसे ये कपास चीनी का उद्योग करवाया जाता था, इसीलिए ये बुकर पुरस्कार उन्हीं के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी टॉपिक पे कंटेंट से बात करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 2023 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है। कौन सा? सौर सौर ऊर्जा का उत्पादक बन चुका है। अब सौर ऊर्जा का जो उत्पादक भारत तीसरा बना हुआ है विश्व का, आप प्लेटों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो चर्चा में है इसीलिए क्योंकि 2023 में भारत ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ते हुए 110 बिलियन यूनिट की तुलना में 113 बिलियन यूनिट उत्पादन किया हुआ है। याद रखिएगा, तो पीछे किसको छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ा हुआ है ना। चीनी जो चीन है जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र बना हुआ है। अगर हम चाइना की बात करें तो ये टॉप पर आता है, जिसने 2024 में 584 बिलियन यूनिट टन का उत्पादन किया हुआ है। तो भारत से बहुत ज्यादा उत्पादन किया है, जो कि इसके अगले बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है, फिर जापान, जर्मनी और भारत का स्थान आता था। लेकिन अभी वर्तमान में अब चीन के बाद यूएसए का आएगा, और उसके बाद 2023 में भारत का आएगा। तैयार रखेगा, इस तरीके से नाम आएगा। भारत ने 73 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ स्थापित बिजली क्षमता में विश्व स्तर पर पांचवा स्थान प्राप्त किया हुआ है। याद रखिएगा, तो इन्होंने सौर ऊर्जा में जो बिजली बनाई जाती है उसमें पांचवें स्थान पर अपना स्थान कायम रखा है। वर्ष 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्ष 2015 की तुलना में 6 गुना अधिक, जबकि भारत में यह 17 गुना अधिक था। याद रखिएगा, ठीक है। भारत की जो विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी है वर्ष 2015 में 0.5 से बढ़कर वर्ष 2023 में 5.8 हो चुकी है। तो 2015 में आप देखोगे जहां पर विश्व में 0.5 थी, अब वहीं विश्व लेवल पर 2023 में अब 5.8 हो चुकी है। आप खुद बताओ कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब आप 100% से भी ऊपर है ना। सौर ऊर्जा भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन का 18% है, लेकिन जो उत्पादित विद्युत का केवल 6.6% है, जो क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच को अंतर को उजागर भी करता है। सौर में और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा का जो वर्ष 2023 में है वैश्विक उत्पादन में 30% हिस्सा था, जबकि चीन प्रमुख रूप से योगदान करता इसमें रहा है। तो चीन टॉप पर है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की हम बात करें तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों के लिए निर्माण पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहां पर, हरियाणा में है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, वहां पर 4 डैम बनाए जा रहे थे, उन डैम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया, रोक लगा दी है। क्योंकि निर्माण न केवल वन जीवों और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी नुकसान ये पहुंचाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में स्थानीय वन जीव एवं जैव विविधता की रक्षा के लिए की गई थी, और 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क के रूप में इसको घोषित कर दिया गया था। हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और सिम्बलवार राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में उससे सटा हुआ है। तो आप अगर आप हरियाणा की स्थिति को थोड़ा सा देखो, कहां की हरियाणा की स्थिति को देखो, तो हिमाचल प्रदेश और हल्की सी उत्तराखंड से सीमा लगती है। तो आप देखोगे तो उत्तराखंड में जो राजा जी नेशनल पार्क है और हिमाचल प्रदेश में सिम्बलवारा नेशनल पार्क है, ये दोनों से सीमा को साझा करता है, इससे मतलब सीमा सटा हुआ है। यह कलेसर वन्यजीव अभयारण्य 13209 एकड़ में फैला हुआ है और जैव विविधता के लिए समृद्ध है।
घने साल के वृक्ष और खैर के जंगल और घास के मैदान यहाँ की जैव विविधता पाई जाती है, जो कि यहाँ पर कई प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए जीवन का प्रदान करता है। यह जानवरों की कई प्रजातियों का घर भी है, जिनमें तेंदुआ, शामर, हिरन, भौंकने वाले हिरन, लकड़बग्घा, शियार, भारतीय शाही, भारतीय पेंगोलिन, लंगूर और पक्षियों की कई प्रजातियां भी शामिल, जैसे कि लाल जंगल मुर्गी, ग्रे पॉर्टेज, भारतीय मोर, व्हाइट थ्रोट किंगफिशर इत्यादि यहाँ पर पक्षी या पर जानवर पाए जाते हैं। तो कलेसर वन्य अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, आपको ये नहीं भूलना है। अगर एग्जाम में डायरेक्टली आता है तो आप बता भी सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें और पता चली है, एक तो राजा जी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और सिंबलवाला राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में। सिंबलवाला राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा सा आप लोकेट करके याद कर लो, हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जाम में आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर्स है, कवच प्रणाली। अब कवच प्रणाली से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, रेल से संबंध है, और ये रेल से कैसे फंक्शन में कार्य करती है। आप लोगों को ये डायग्राम में अगर स्पष्ट नहीं दिखाई पा रही है तो थोड़ा सा बता देते हैं। RFID के और यहाँ पर RFID, दोनों ट्रेनों में RFID के माध्यम से ये कार्य करती है, याद रखिएगा। तो ये दूर से ही पहचान ली जाती है और RFID कार्य करती है, मेन इसमें RFID है, ठीक है। अब अगर देखा जाए कवच प्रणाली, तो भारतीय रेलवे ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवच प्रणाली को लागू करने में तेजी लाने के लिए रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साथ में क्रॉन्टेंड फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ में समझौते के रूप में अंतिम रूप दे दिया है। तो रेलवे का कौन सा है, रेल टेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, याद रखिएगा। और इन्होंने फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ इन्होंने साझेदारी की है। कवच तीन भारतीय संगठनों के सहयोग से अनुसंधान एवं डिजाइन मानक संगठन के रूप में विकसित किया गया है। मतलब कि कवच को तीन भारतीय संगठनों ने इसको शुरुआत किया है, विकसित किया हुआ है। यह टकराव रोधी क्षमताओं के साथ कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मतलब कि अगर आमने सामने से ट्रेनें आ रही हैं तो RFID के माध्यम से, दोनों जगह RFID कार्य करती है, और उस माध्यम से पहले ही ऑलरेडी 100 मीटर पर ही दोनों ट्रेनें रुक जाती है। इसे भारत की राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा मतलब की ATP सिस्टम के माध्यम से नामित किया गया है। यह सुरक्षा अखंडता पर 4 मानकों को पूरा करता है। ATF सिस्टम की बात करें तो यह वह सुरक्षा तंत्र है जो कि ट्रेन की गति को निगरानी करता है। तो ATP सिस्टम क्या करता है, जो ट्रेनें चलती हैं उसकी जो निगरानी होती है वह सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि जो सिग्नल के द्वारा निर्धारित गति है वह उसको रेखांकित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यदि ट्रेन इस गति से सीमा से अधिक हो जाती है तो ATP ट्रेन को रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक भी लगा देता है। तो ATP के माध्यम से एक एक स्पीड है, उस स्पीड में ही अगर ट्रेन चल रही है तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उस ट्रेन गति से अधिक चल रही है तो वह आपातकालीन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक भी सकता है। इसके अतिरिक्त यह सिस्टम आपातकालीन S2S संदेश प्रसारित पर भी कार्य करता है। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की गतिविधियों को एक केंद्रीकृत लाइव निगरानी के प्रणाली के रूप में प्रदान करता है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया गया है, और उस सेंट्रलाइज के माध्यम से ट्रेन की गतियों की, जो ट्रेन की जो जैसे आपने देखा होगा हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स होता है, उसी तरीके से ट्रेन में भी कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स टाइप में ही होता है, और वह सेंट्रलाइज होकर एक पूरी सिस्टम को एक जगह पर लाकर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। ये कार्य हमारा नेक्स्ट कन्फेस की बात करें तो 55 ट्रेन की EX वो प्लेनेट का वायुमंडल, तो आप इसको देख पा रहे होगी EX को प्लेनेट का वायुमंडल में होना इसको क्या दर्शाता है। जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हमारा ऐप है एंड्रॉइड ऐप, जिसको डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह और PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक EX को प्लेनेट की, तो हाल ही में 55 ट्रेन की ई में सघन वायुमंडल को खोजा गया है, जो कि पृथ्वी से दोगुने आकार की सुपर अर्थ है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक्सपो प्लेटनरी अनुसंधान के लिए संभावित प्रभावों पर यह प्रकाश डालता है। तो पृथ्वी जो अर्थ है हमारा, उस अर्थ से भी है दो गुना है, सबसे बड़ी बात, और इसको सुपर अर्थ बोला जा रहा है। 55 ट्रेन की ई वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना है, हालांकि इसकी सटीक मात्रा अभी स्पष्ट नहीं हुई। 55 ट्रेन की ई वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के विपरीत है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और अन्य गैसों के मिश्रण से यह बना हुआ है। और हम जानते हैं कि 55 क्रेन की जो ई का क्वथनांक है वो 2300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस कारण यह जीवन के लिए प्रतिकूल है, मतलब कि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं नहीं है। अपनी निर्जन परिस्थितियों के बावजूद यह खोज घने वायुमंडल वाले चट्टानी ग्रहों खोजने की उम्मीद भी प्रदान करता है, मतलब कि यहाँ पर जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो निर्जन है और जीवन के लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं, बट ऐसा कहना उम्मीद ही है, मतलब संभावना है, लेकिन ऐसा भी पूर्ण रूप से सटीक जानकारी नहीं है। 55 क्रेन की एक ई एक्सोप्लेनेट है जो कि 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8 गुना अधिक है और इसकी विशेषता स्थायी रूप से दिन और रात का होना है। सबसे प्रमुख जो इसकी विशेषता है ना, डे और नाइट का होना ही इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, याद रखिएगा। इसे एक सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है क्योंकि ग्रहों का एक दुर्लभ वर्ग है जो पृथ्वी से बड़ा है और नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले ग्रहों की तुलना में छोटा है। वे गैस, चट्टान और दोनों के संयोजन से बने हो सकते हैं और इसका निर्माण पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 से 10 गुना अधिक भी हो सकता है। अगर हम निष्कर्ष के संकेतों पर बात करें तो ग्रह की सतह पर मैग्मा का महासागर पर उत्सर्जित होने वाली गैसें ई वायुमंडल को बनाए रखने में सहायता प्रदान कर सकती हैं, क्या रखें, और साथ में क्रेन की ई की खोज पृथ्वी एवं मंगल ग्रह की विकासवादी प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी और मंगल है इसकी खोज से इसके विकासवादी प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान हो सकती है। तो यहाँ पर ये अच्छी खोज है वैज्ञानिकों के लिए, तो हो सकता है आगे चल के इसमें कुछ अपडेट के साथ करंट अफेयर फिर से आ जाए। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पे बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।